माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों देर चैनल लाए तो सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज का विषय जरा सुनिए, आप सबके बहुत काम का भी है और इंतजार वाला भी है। आज का विषय है अमीर कैसे बन जाते हैं, लोगों के पास खूब पैसा कैसे आ जाता है, क्या मैं भी अमीर बन सकता हूँ। तो इसी विषय पर हम लोग बात करते हैं और आपको कुछ उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे भी जरूरी आज मैं कुछ तरीके सुझाऊंगा, शायद आपके काम आ जाए, लेकिन काम उसी के आएंगे जो बहुत मेहनत करने को तैयार होगा। अन्यथा हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि चमत्कार क्या होता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जरा सुनिएगा मेरी बात को गौर से। फिलहाल देश विषय और मिथुन राशि का है। मेष राशि, आप थोड़ी उलझन में दिखेंगे, सही निर्णय लेते वक्त भी कुछ संदेह रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा आज आपके पास, और इसकी वजह से निर्णय लेना कठिन होगा और आप उलझेंगे। हो सकता है बड़ी चीज में उलझे, हो सकता है छोटी चीज में उलझे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उलझन आपका पीछा करेगी और वह दिन आपका कमजोर करेगी। हो सकता है उलझन में कुछ हड़बड़ी हो, जल्दबाजी हो और फिर आपको एक डिसीजन में उससे और ज्यादा नुकसान हो जाए। तो इस दिन आपके लिए निर्णय लेना थोड़ा पेचीदा सा मामला रहेगा, इसे ध्यान से लें। हाँ, दोपहर के बाद का समय बेहतर है, आपको कार्यों में भी उत्साह दिखेगा, अपने अंदर भी आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन गले का और पेट का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे, ओम हनुमते नमः का आप जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो वो अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे, बातचीत में कहीं कहीं आपका गुस्सा भी झलकेगा, परिवार की समस्या आपको परेशान कर सकती है, इन चीजों से आपको काफी बचने की जरूरत है, क्योंकि दोपहर तक ये आपके दिमाग का दही कर सकती है। दोपहर तक आपको बहुत ख्याल रखना होगा। हाँ, दोपहर के बाद का समय थोड़ा बेहतर है, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको खुश रखेंगे, जिनकी वजह से आपको उत्साह महसूस होगा और आप फिर से अपने काम पर पूरे उत्साह के साथ जुट जाएंगे और हो सकता है कि कुछ समस्याओं का हल भी आपको मिले। एक सावधानी बेहद आवश्यक है, दोपहर तक कोई बड़ा विशेष निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि इस समय लिए गए निर्णय बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होंगे। बहुत मजबूरी में अगर कोई निर्णय लेना भी पड़े तो अच्छे से सलाह मशवरा करके सलाह मान भी लीजिएगा। इस समय में अपने बच्चों से संबंधित तो कोई निर्णय बिल्कुल भी मत ले, इस समय संबंध जोड़ने से संबंधित निर्णय नहीं ले, और खास तौर से किसी को धन देने संबंधी निर्णय तो इस समय टाल ही दे। दोपहर के बाद सोचिएगा कि किसको आप धन दे सकते हैं। उपाय, दिन बेहतर गुजरे इसके लिए आप एंग ह्रीं क्रीं नमः चंडिकाए या एंग ह्रीं क्रीं चामुंडाए विच्चे इस मंत्र का जप कर लीजिए थोड़ी देर बैठ के, फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आसपास किसी स्थान की यात्रा कर सकते हैं, यानी ऐसी यात्रा जो बहुत दूर की ना हो, लेकिन आप वो यात्रा कर सकते हैं और उस यात्रा में आपको आनंद भी मिलेगा। इस दिन कुछ पुराने दोस्त आपका उत्साह बढ़ाएंगे, आपसे मिलेंगे। इस दिन आपकी जिंदगी में उन्नति का योग बना हुआ है, इस दिन किए गए कार्य से आपको आगे लाभ होगा। हो सकता है इस दिन किए गए कार्य से या दी गई एप्लीकेशन से आज का आज फायदा ना हो, लेकिन आगे आने वाले वक्त में फायदा जरूर होगा, इसलिए ध्यान के साथ अपना कार्य करते रहिए। दोपहर के बाद आपका समय ठीक नहीं है, तब बहुत ध्यान रखकर चलना होगा। क्या होगी गड़बड़ी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, वाद विवाद में उलझ जाएंगे, रहन सहन में असहज हो जाएंगे, व्यवस्थित नहीं रह पाएंगे, सब हौच पौच हो जाएगा, उसकी वजह से कुछ परेशानी हो सकती है। बस एक सावधानी विशेष रूप से बरतिएगा, इस दिन कोई वायदा ना करें तो अच्छा है, अगर वायदा कर लिया है तो बहुत 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 कृत संकल्प होकर उसको निभाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो वह वायदा निभा नहीं पाएंगे और उसकी वजह से आपकी मानहानि भी हो सकती है, धन हानि भी हो सकती है।
उपाय क्या करेंगे? गणपति जी को दूर्वा भेंट कर दीजिए अभी और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, वो सब ठीक करेंगे। एक बार मैं किसी व्यक्ति को सुन रहा था जो मोटिवेशनल स्पीकर है। उनको बहुत सारे तरीके बताते हुए मैं सुन रहा था, ऐसे अमीर बनोगे ऐसे अमीर बनोगे, और लब्बो लबाव ये था बात का कि आपने चूंकि सही तरीके से मेहनत नहीं करी इसलिए अमीर नहीं बन पाए। यहां पर मेरा एक मतभेद है और वो ये है कि यह बात ठीक है कि सही समय से मेहनत ना करने पर और सही तरीके से मेहनत ना करने पर परेशानियां बहुत होती हैं, लेकिन भाग्य पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, समय पर भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी किस्मत में धन नहीं आना होता। ये फैक्टर हम इग्नोर कभी ना करें, क्योंकि ऐसा ना हो बहुत मोटिवेट हो गए, अति उत्साह में आ गए और हम उसको इग्नोर कर बैठे। देने वाला वो है, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, इसलिए कर्म की श्रेष्ठता हमारे अंदर होनी चाहिए। पहला सूत्र यह है, रियलिस्टिक रहिए, यानी जो वास्तविकता है व्यवहारिकता है उसके परे जाकर मत सोचिए, व्यवहारिक बने रहिए, प्रैक्टिकल बने रहिए। दूसरा सूत्र, बहुत मेहनत के लिए तैयार होइए। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण सूत्र मैं अभी आपको देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे सूत्र बताऊंगा, भी आप चिंता मत कीजिए और अगर आपने उन्हें माना तो जिंदगी में वास्तव में सार्थक परिणाम आएंगे। लेकिन फिलहाल कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, धन को लेकर यह दिन बहुत अच्छा नहीं है, कमजोर है। इस दिन धन लेना भी नहीं, इस दिन धन देना भी नहीं, दोनों ही चीजें लाभ नहीं दे पाएंगी। मान लीजिए इस दिन कहीं से लोन ले भी लिया आपने और उसे चुका ना पाए तो कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, और किसी को धन दे दिया और उसने दान बना दिया तो कितनी दिक्कतें होंगी। एक और चीज, रिश्ते नातों को लेकर भी यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, रिश्ते नाते कोई बहुत मजबूत नहीं है इस दिन, कहीं ऐसा ना हो कोई परेशानी हो जाए। खास तौर से दोपहर तक का समय तो आपको सावधानी से गुजारना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ी सी अनुकूलता बनेगी, उसके बाद आपके रास्ते थोड़े से खुलेंगे, उसके बाद आपका मन भी ठीक होगा और संध्या उपरांत दिन काफी बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल ध्यान रखिएगा एक सावधानी, इस दिन हर फैसला बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, अन्यथा उसका कोई दुष्प्रभाव बहुत दिनों तक आपको झेलना पड़ सकता है। एक और चीज करिएगा, मां की सेहत का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है इस दिन, आपको बहुत विशेष रूप से माता की सेहत का ध्यान रखें। एक उपाय करने, जरूरतमंद व्यक्ति को चावल का दान अवश्य कर दें, वो सब ठीक करेंगे, फिर अपने काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। सिंह राशि, आपके निर्णयों में एक प्रभाव है इस दिन, ये दिन आपके लिए अच्छा है, इस दिन लोग आपसे सलाह मशवरा करेंगे, लोगों का विश्वास आप पर बढ़ेगा, सलाह मशवरा कोई भी हो सकता है लेकिन करेंगे। इस दिन लाभ में भी वृद्धि होती दिखाई दे रही है, प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती दिखाई दे रही है, कुल मिलाकर ये दिन अच्छा है। दोपहर के बाद कुछ चीजों में सावधानी आपको रखने की आवश्यकता होगी, छोटी छोटी चीजें भी परेशानी खड़ी कर सकती हैं, आपका व्यवहार परेशानी खड़ी कर सकता है, किसी ने यदि कोई गलती कर दी हो तो उस पर बरसना यह आपके लिए भारी पड़ सकता है, कहीं कुछ चीज भूल जाना उससे आपको कोई नुकसान हो सकता है, तो दोपहर के बाद थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। वैसे कुल मिलाकर दिन है अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा और वो ये है कि किसी पर इस दिन तंज ना कसे, किसी की मजाक मत उड़ाइएगा, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा पर वो भारी पड़ेगी। उपाय क्या करना है, अनुलोम विलोम कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए अभी, फिर अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, इस दिन लाभ के भी योग हैं तो हानि के भी योग बने हुए हैं, इसलिए जब लाभ हो तो बहुत खुश मत होइएगा,
पैसे को बचा कर रखने की कोशिश कीजिएगा। सर में दर्द हो सकता है, आप दुखी हो सकते हैं, किसी बात से चिंतित हो सकते हैं, भविष्य की कोई चिंता आपको परेशान कर सकती है, लेकिन दोपहर के बाद नए कार्यों का प्रारंभ करने के लिए समय शुभ होगा। और जो कार्य आप शुरू करेंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई बिजनेस का काम हो, किसी से मिलने जुलने की बात हो, कोई ट्रेन पकड़कर यात्रा करने की बात हो, कुछ भी हो, उस कार्य में अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी। और जो खास चीज होगी वो ये कि दोपहर के बाद आपका तनाव कम होगा, प्रसन्नता बढ़ेगी। लेकिन फिर भी एक सावधानी बेहद आवश्यक है, और वो सावधानी है इस दिन आपको निवेश करने से बचना है। किसी भी चीज में समय का निवेश करने से भी बचें, धन का निवेश करने से भी बचें, अन्यथा वो निवेश निरर्थक चला जाएगा। उपाय क्या करना है? गणपताय नमः का जप कीजिए, गणपति जी के सामने थोड़ी देर बहुत श्रद्धा भाव समर्पण भाव से बैठिए, दो मिनट बस, फिर अपने काम पर जुट जाइए तो वो सब ठीक करेंगे। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जरा इसे गांठ बांधिए, और वो है बचत। हमेशा बचत करने की आदत डालिए, क्योंकि आपके द्वारा की गई बचत से ही आपके बुरे वक्त में आपके पास धन रहता है और बुरे वक्त से आप बाहर आ पाते हैं। इधर बजट तो आ ही चुका है, तो आप पता नहीं किसको ये बजट छूट कर रहा होगा, किसको ये बजट छूट नहीं कर रहा होगा, पर मैं आपको कुछ उपाय अलग से बताता हूं किस तरीके से आप धन कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। और मैं फिर कहता हूं ये उपाय उन लोगों के लिए है जो अमीर नहीं है, अमीर बनना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए है जो बहुत मेहनत से और ईमानदारी से अमीर बनना चाहते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, धन आवश्यकता से कम होता है तो आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, लेकिन आवश्यकता से बहुत अधिक होता है तो भी व्यक्ति के अनाचारी होने का डर रहता है। इसलिए हमेशा संतुलन बना के रखिएगा। वैसे गरीबी से जीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अमीरी भाग्य का क्षेत्र है, और उसे जगाने के लिए कुछ पूजा, कुछ उपाय और प्लान्ड तरीके से मेहनत चाहिए, प्लानिंग के साथ मेहनत। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन प्लानिंग में भारी कमी होती है। वैसे जिस व्यक्ति का सूर्य चंद्रमा कमजोर होगा, वो कुछ भी प्लानिंग कर ले, कभी प्लानिंग से चीजें चलेंगे ही नहीं। खैर, फिर भी एक नियम और सिद्धांत तो है ही, जिन लोगों के अंदर योजना बनाने की शक्ति नहीं होती, उनके लिए अपने दम पर अमीर बनना बेहद कठिन होता है, क्योंकि वह गुड़मुड़ होते रहते हैं, इधर ढल के उधर ढल के ऐसा होता है। वो सिर्फ जन्मकालीन ग्रहों के भरोसे ही रहते हैं। कहने का मतलब, जिन लोगों का बुध ग्रह, शनि ग्रह और केतु ये अच्छी स्थिति में होता है, वो तो योजना बहुत बढ़िया बना लेते हैं और अपनी योजना पे काम भी कर लेते हैं। लेकिन जिनके बुध शनि और केतु अच्छे नहीं है, इन्हें उपाय करके इन ग्रहों को मजबूत करना होगा, फिर वह योजना अच्छी बना पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे। हरे रंग या नीले आकाश पर जो लोग ध्यान करते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे प्लानिंग करने की जो काबिलियत होती है बढ़ती जाती है। हरे रंग पर, यह जो आसमानी नीले रंग पर, आपने सामने बिंदु लगा सकते हैं आप, जो इस पर बिल्कुल ऐसे त्राटक वाला ध्यान, और फिर अपने आप जब आंखें बंद हो जाएं तो कर लीजिए, जो ऐसा ध्यान करते हैं काफी देर तक, उनके अंदर धीरे 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 योजना बनाने की काबिलियत आती चली जाती है, और अपने लिए नहीं, फिर तो वो दूसरों के लिए योजना बना सकते हैं। और एक व्यक्ति तो मैंने ऐसे देखे जो कभी अपने ही लिए योजना नहीं बना पाते थे, इस उपाय को करने के बाद इतनी काबिलियत आ गई उनके अंदर योजना बनाने की कि वह दूसरों के लिए योजना बनाने लगे, और धीरे धीरे यही उनका प्रोफेशन हो गया और उस प्रोफेशन में खूब कमा रहे। एक और चीज, तांबे के बर्तनों का प्रयोग करें, सूर्य को मजबूत करना होता है, क्योंकि सूर्य यदि मजबूत होता है तो व्यक्ति प्लानिंग बनाकर प्लानिंग पर
काम भी कर पाता है। इसलिए सूर्य क्रिया करना सीख लीजिए। माँ, शिक्षक, गुरु और गाय की सेवा करने वाले व्यक्ति मन से शांत होकर अच्छी प्लानिंग बना सकते हैं और उनके द्वारा बनाई गई प्लानिंग से उनका कल्याण तो हो सकता है, बाकी किसी का नहीं भी हो पाए। तो एक और चीज, दूध और केसर मिलाकर अपने मस्तक पर जो धारण करते हैं और ओम ऐं बुं बुद्धाय नमः का नियमित रूप से जप करते हैं काफी काफी देर तक, 108 बार कम से कम, उन लोगों की योजनाएं सफल हो जाती है। जी हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% बनाएंगे तो 100% सफल होंगी, लेकिन काफी हद तक उनकी योजनाएं सफल होती हैं और धन आना शुरू होता है। लेकिन यदि आपको अमीर बनना है तो एक चीज का ध्यान जरूर रखें, अमीरी का मतलब यह है कि धन आए, फिर टिके भी और फिर हम उसे बहुत समय तक बरते भी। इसके लिए धैर्य धारण करें, यह अगला सूत्र लिख लीजिए, धैर्य धारण करें। जो लोग धैर्यहीन होते हैं उन पर उनके एफर्ट से धन आ तो जाता है। आजकल धन आना बहुत कठिन नहीं है क्योंकि कंज्यूमर्स सोसाइटी है, तो कंज्यूमर्स एक्टिविटीज ही मेन बिजनेस एक्टिविटीज है और आपको अगर जरा सा भी अनुभव है या जरा सी भी काबिलियत है कि कंज्यूमर क्या सोच रहा है, ग्राहक क्या सोच सकता है और उसके अनुसार आप उसे कुछ बेचते हैं तो धन वैसे ही आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी में धन कमाते हैं, आ जाएगा, ठहरेगा नहीं, उतनी ही जल्दी वह निकल भी जाएगा। इसलिए जो भी अमीर बनना चाहते हैं इन सूत्र को लिखते लिखते ये बार बार लिखें, धैर्य धैर्य धैर्य। जो आपके भाग्य में नहीं है सुनो ध्यान से, जो खासतौर से चमत्कारों की अपेक्षा करते रहते हैं और उसमें से भी जो बच्चे युवा वर्ग जो चमत्कारों की अपेक्षा करता रहता है वो सुने, जो आपके भाग्य में नहीं है उसे पाना आसान नहीं है, बेहद कठिन है। मैं उपाय भी जब बताता हूं तो आपने देखा होगा मैं ज्यादातर उपाय व्यवहारिक बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है, मैं 32 वर्षों में यह जान चुका हूं कि कौन सा उपाय वास्तव में लाभ देगा और कौन सा पानी में पत्थर फेंकने वाला उपाय है। और इसलिए इन उपायों में व्यवहारिकता बहुत है क्योंकि उससे हमारे ग्रह हम प्रभावित कर सकते हैं, उनसे बेहतर। एक और सूत्र देखिए, ये मन के ऊपर है, लेकिन पहले तुला वृश्चिक और धनु राशि का हाल बताऊं उसके बाद फिर ये सूत्र लिखाऊंगा। तुला राशि, उन्नति करने के लिए ये दिन अच्छा है, प्रयास तो बहुत करने पड़ेंगे, भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन किए गए प्रयासों से सफलता मिलेगी। हो सकता है अभी ना मिले, कुछ समय बाद मिले, लेकिन मिलेगी। इसलिए इस दिन प्रयत्न जरूर कीजिएगा, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे नौकरी पेशा लोग हो, गृहिणी हो, व्यापारी हो, कोई भी आपका प्रोफेशन है, इस दिन अथक प्रयत्नों का परिणाम सकारात्मक मिलेगा। हाँ, दोपहर के बाद कार्यों में कुछ लापरवाही होने की वजह से समस्या हो सकती है, लाभ कम हो सकता है। दोपहर के बाद कहीं धन खर्च होने के योग दिखाई दे रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, सावधानी। इस दिन बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिएगा, बुजुर्गों की बुराई बिल्कुल मत कीजिएगा, अगर ऐसा हुआ तो दिन निश्चित रूप से आपका कमजोर होगा, भाग्य पक्ष कमजोर हो जाएगा। उपाय करिए, थोड़ा सा देसी कपूर सुनिए दिन भर, आनंद लीजिए, काम में मजा आएगा और आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। वृश्चिक राशि, आज दिन अच्छा है, सफलता आपकी राह देख रही है, इस दिन आपकी वाणी से लाभ होगा। तो जो लोग वाणी से धन अर्जन करते हैं या वाणी से समाज में अपना प्रभाव समेटते हैं उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मजा आएगा, अच्छा होगा, आज आप कुछ अच्छा कार्य कर पाएंगे, अच्छी सोच है आज के आप, और क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी, रचनात्मक कार्य आज आप कर पाएंगे, तो कुल मिलाकर दिन आपका मंगलकारी होने वाला है। अब किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, कुछ बढ़िया क्रिएटिव एक्टिविटी जरूर कीजिएगा, खुशी मिलेगी। बस एक सावधानी, इस दिन
महिलाओं की बहुत इज्जत करें, महिलाएं भी महिलाओं की बहुत इज्जत करें। और आज महिलाओं से झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए, अन्यथा परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? आज अपने जीवन साथी या होने वाले जीवन साथी, माता जी इनकी मदद करें, इन्हें प्रणाम करें, घर के कार्यों में इनकी हेल्प करें, और फिर देखिएगा आनंद आएगा दिन का और इस दिन किए गए कार्यों का भी। धनु राशि, आज निराशा दिख रही है, किसी शंका से आप प्रभावित हो सकते हैं, भविष्य की चिंता, धन की चिंता यह आपको परेशान कर सकती है। दोपहर तक का समय संघर्ष वाला है, हाँ उसके बाद आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष भी उसके बाद आपका मजबूत होगा, शनि शनि शाम की तरफ जैसे जैसे दिन बढ़ेगा मजबूती आएगी, कीर्ति में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। बस एक सावधानी बरतिएगा, आज पिताजी की खूब सेवा कीजिएगा और पिता समान लोगों से, पिता से मन मुटाव ना हो ये जरूर ध्यान रखिएगा। एक उपाय, आज आटे का दान किसी गरीब गृहिणी को जरूर कर दीजिएगा, दिन बढ़िया रहेगा और कामयाबी देगा। फेसबुक से सुनीता सक्सेना जी का एक प्रश्न लेते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के काम आएगा ये। वो पूछते हैं, सपने में चंद्र ग्रहण का महत्व बताइए। स्वप्न में चंद्र ग्रहण देखना अच्छा नहीं होता, रक्त संबंधी कोई व्याधि का संकेत भी है और मानसिक तनाव का भी ये संकेत है, साथ ही साथ माता जी की सेहत ठीक नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है ऐसा भी संकेत है। सूर्य ग्रहण देखना भी कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं होता, लेकिन यदि आप चंद्रग्रहण देख रहे हैं, चंद्रग्रहण होता हुआ देख रहे हैं, चंद्रग्रहण खत्म होता हुआ भी देख रहे हैं, यह बहुत अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब यह है कि परेशानी के बाद भाग्योदय होगा। अमीर बनना चाहते सबको ही है, लेकिन इतना सरल नहीं है। कुछ बातें जो मैंने बताई है यह आपके काम आएंगी, कुछ उपाय जो मैं बताने वाला हूं वो आपके बहुत काम आएंगे, सुन लीजिएगा। आता हूं अल्प विराम के उपरांत। आइए, स्वागत है, स्वागत है अल्प विराम के उपरांत। एक और सूत्र, मन में विश्वास बहुत जरूरी है कि यदि मैं प्रयास करूंगा, प्रभु की आराधना प्रार्थना करूंगा तो अमीर बनना मुमकिन होगा, परंतु मुख्य ग्रह कमजोर होगा तो व्यक्ति का संकल्प बेहद कमजोर होगा। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं कि आपका मुख्य ग्रह और आपके इष्ट अगर आपने साध लिए तो जिंदगी की सभी समस्याएं आप साध सकते हैं। मैं ये नहीं कहता समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सारी समस्याओं पर पार पा जाएंगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन जो मूल समस्याएं हैं कम से कम उन्हें जीत लेंगे। तो मुख्य ग्रह यदि मजबूत है तभी आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, और मुख्य ग्रह कमजोर है तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। आप मोटिवेट हो भी जाएंगे तो घंटे दो घंटे, दिन दो दिन, महीना दो महीना, बस इससे ज्यादा मोटिवेशन नहीं रहेगा, मोटिवेशन वाला गुब्बारा फूलेगा और चक जाएगा। इसलिए मुख्य ग्रह मजबूत करना। अगली बात सुनो, अपने पास धन संपत्ति की पूरी जानकारी करें और उसमें कितना हिस्सा निवेश के लिए अलग किया जा सकता है उसका हिसाब बनाएं। सभी में पैसा लगा दें, आप पर जितना पैसा हो उसका 25-30% से ज्यादा मत लगाइएगा बिजनेस शुरू करने में। ये अनुभव से बता रहा हूं, मैंने कभी बिजनेस नहीं किया, ना मैं बिजनेस के बारे में जानता हूं, लेकिन एक अनुभव हो जाता है लगातार दुनिया में घूमते घूमते, क्योंकि जब कोई बिजनेस शुरू होता है तो जितना पैसा मांगता है उससे कहीं ज्यादा वो पैसा तब मांगता है जब उसका चक्का घूमना शुरू होता है। इसलिए 30% बहुत से बहुत जितना आपके पास है उसका 30-40% से ज्यादा उस बिजनेस में मत लगाइएगा, क्योंकि जब वो बिजनेस होल्ड करेगा तो और आपका 25-30% पैसा ले जाएगा।
उससे ज्यादा आपने लगा दिया तो कभी क्राइसिस आया तो आप संभल नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर आप कर्ज में डूबना शुरू होते हैं। इसलिए एक लिमिट रख दी, इस लिमिट तक धन खर्च करने के बाद यदि मुझे कुछ नहीं मिलता है तो फिर इस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, और वो लिमिट 60%, 65% से ज्यादा मत रखिएगा, अन्यथा संभलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बार कर्ज में डूबे नहीं, कर्ज एक दानव की तरह होता है, यह जंगल की फैलती हुई आग की तरह से होता है, दावानल, वो तो सब नीलता चला जाता है। जो सबसे पहले चीज को नीलता है ना कर्ज, वो है आपका आत्मविश्वास। अधिक आत्मविश्वास होगा, आपको लगेगा कि मैं एक रुपया लगा रहा हूं 100 वापस आ जाएंगे, ये हो जाएगा बस, और उसी में सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि बुध और बृहस्पति यदि कमजोर है, वो ही नहीं सकता, बिजनेस हो भी गया थोड़ा पैसा आएगा सस्टेन नहीं करेगा। अपने धन संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा परिवार के लिए सुरक्षित रखना होगा। परंतु यदि आप पर धन संपत्ति कम है तो क्या करें? पहले मकर कुंभ और मीन का हाल सुन लें, बाकी आपकी बात अभी करता हूं। मकर राशि, आज मन थोड़ा सा उदास सा है, कार्य में मन नहीं लगेगा, कार्य में अवरोध उत्पन्न होंगे, अवरोध उत्पन्न होने की वजह से मन बिल्कुल नहीं लगेगा, दौड़ धूप बहुत करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि किसी मंगल कार्य की वजह से भी आपको दौड़ धूप करनी पड़े, लेकिन बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि दौड़ धूप के कारण आपका स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है। एक और चीज, यदि आपको कोई बहराने फुसलाने की कोशिश करे तो आधी अधूरी जानकारी पर किसी के विरुद्ध कुछ मत बोलिएगा, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति आज इस प्रकार का षड्यंत्र करे और आपको किसी से लड़वा दे, ध्यान रखिएगा। एक सावधानी, आज का दिन बहुत सावधानी पूर्वक चलने वाला है, चाहे आप यात्रा कर रहे हो, धन का निवेश कर रहे हो, किसी से कुछ मिलजुल कर कोई बातचीत करने वाले हो, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। एक उपाय जरूर करें, ओम जूम सह इसका 51 बार जप कर लीजिए अभी बैठे, और उसके बाद जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, पढ़ाई के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए ये दिन बढ़िया है। इस दिन जन्म के नोट्स बनाइए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, याद कीजिए, और रुकी हुई कोई पढ़ाई उसे जारी कीजिए। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो उस कॉन्सेप्ट को इस दिन समझने की कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से चीजें बेहतर होंगी। संतान पक्ष की ओर से मन खुश रहेगा, कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। सायंकाल के बाद दोस्तों और साथियों से कोई अनबन और तनाव हो सकता है, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ध्यान रखें। एक सावधानी बेहद आवश्यक है, इस दिन ठंडा जल पीने से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे? अनुलोम विलोम कीजिए और उसके बाद नाक साफ कीजिए, फिर अपने दिन पर जुटिए, काम कीजिए जम के, सब ठीक करेंगे। मीन राशि, दिन अच्छा है, निर्णय लेने का प्रयत्न करेंगे और इन निर्णयों से आपको लाभ भी होने वाला है, बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। पढ़ने लिखने के लिए दिन बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों जम के पढ़ाई करो, खूब अच्छे से नोट्स बनाओ, इस दिन की गई पढ़ाई बनाए गए नोट्स एग्जाम से फायदा मिलेंगे आपको, इस दिन सुकून मिलेगा, किसी चिंता से परेशानी से या रोग से मुक्ति मिल सकती है। सावधानी लेकिन एक रखिएगा, इस दिन अपने सेवकों से दुर्व्यवहार मत कीजिएगा, उन पर कठोर अनुशासन मत कीजिएगा, उन्हें बहुत सारे काम मत सौंपिएगा, अन्यथा आपको दुख होगा, परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? काली उड़द की दाल का दान करिए किसी को भी, और उसके बाद में काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे धन संपत्ति यदि कम है तो क्या करें। ऐसा काम कीजिए जो उसी धन संपत्ति में हो जाए, उस काम का स्तर छोटा रखिए, थोड़ा रखिए। अब यहां पर ईगोज आती हैं थोड़ी सी, मुझे मालूम है कि हम उतना बड़ा काम कर सकते हैं, उस लायक हम हैं, या उतना बड़ा काम कर सकते थे, उस उतना बड़ा काम करते थे, उस पद पर थे, या हमारे पिताजी उस स्थिति में थे, हम इस स्थिति में कैसे काम करें।
यह संकोच और भ्रम तोड़ना होगा। वक्त के अनुसार जो करना पड़े सो कीजिए, बस अच्छा हो, ईमानदारी से हो और आगे बढ़ने के चांसेस हो, नहीं तो बड़ा होगा नहीं, छोटा करेंगे नहीं, सर पर मार। उम्र निकल गई, अब कुछ हाथ नहीं आता। खराब केतु और चंद्रमा छोटी शुरुआत करने नहीं देते और बड़ी शुरुआत हो नहीं पाती क्योंकि बाद में कमजोर। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो मान के चलिए बड़ी शुरुआत नहीं हो पाएगी। आपको पूरी जिंदगी में छोटे से बड़े की तरफ जाना और बार बार पीछे आएंगे और बार बार आगे जाना और इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन नहीं स्वीकारा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि चंद्र केतु भुलावे में रखेंगे। आप नींद में तो राजा महाराजा बन जाएंगे लेकिन हो कुछ भी नहीं पाएगा। धन कमाने की योजना बनाते समय अपनी उम्र और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखें। और एक चीज, धन कमाने की जब कोशिश कर रहे हो तो लालच और व्याकुलता से अपने आप को दूर रखें, अन्यथा आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी घातक सिद्ध हो जाएंगे। लोग ऐसे ही गलत काम की तरफ बढ़ते हैं। धन कमाने के लिए सिर्फ वो ही लाइन पकड़े जो आपके भाग्य के अनुसार बनती हो। इधर उधर सर मत मारिएगा, नहीं तो लाभ ना के बराबर होगा। और एक चीज और कह रहा हूं, अपने ऊपर ही विश्वास रखें, चाहे पार्टनरशिप 10 के साथ करनी पड़े। पार्टनर पर कभी भी बहुत भरोसा मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा पार्टनर खराब होगा। पार्टनरशिप करने से पहले आपको अपने आप को सुरक्षित जरूर करना है, क्योंकि यदि आप कमजोर हैं, यानी कमजोर चंद्रमा और कमजोर भाग्य, ऐसे समझिए, कमजोर चंद्रमा और कमजोर भाग्य के लोगों को पार्टनरशिप सूट नहीं करेगी। जब व्यापार शुरू किया तो मेरे पास धन था, दोस्त के पास अनुभव, ये पार्टनर के पास अनुभव था, और जब व्यापार बहुत आगे बढ़ गया तो दोस्त के पास धन आ गया और मेरे पास अनुभव रह गया। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन चंद्रमा करा देता है ऐसी स्थिति। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, अपने भाग्य की नींव अपने दम पर डालिएगा, न कपोल कल्पनाओं के दम पर डालिएगा, न किसी अन्य के दम पर डालिएगा। ये कहीं गांठ बांध के रख लीजिए सूत्र। मैं कुछ ग्रहों के बारे में आपको बता रहा हूं, वो आपकी कमाई का जरिया बन जाएंगे। उन पर चलकर देखिएगा, आप जरूर अमीर बनेंगे। लेकिन पहले हम में से कुछ लोगों का है जन्मदिन, तो जरा भाई जोरदार तरीके से बोलिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। इस दिन जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, कुछ परेशानियां भी हैं। अच्छे इस सेंस में है कि आपको यात्राओं से लाभ होगा, अच्छे इस सेंस में है कि कुछ नया पढ़ने लिखने को मिलेगा, अच्छे इस सेंस में भी है कि प्रमोशन होगा। लेकिन परेशानी कहां है, कुछ महत्वपूर्ण संबंधों में दरार आ सकती है, अपने और अपने घर के लोगों के स्वास्थ्य से परेशानी होगी आपको, और उसके साथ साथ कहीं ऐसी जगह पे कुछ समय आपको रहना पड़ सकता है या स्थानांतरण आपका हो सकता है जो स्थान आपको पसंद ना हो। लेकिन फिर भी कुल मिला के वक्त ठीक रहेगा, आपके अचीवमेंट्स रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। घर संबंधी कोई कार्य भी हो सकता है, रिश्तों संबंधी कार्य भी कोई हो सकता है, लेकिन प्रेम संबंधों में दरार पड़ने के काफी योग हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। बच्चों की तरफ से कुछ चिंताएं रहेंगी, लेकिन फिर भी कुल मिला के 12 महीने है तरक्की वाले, कुछ उपाय कीजिएगा। पहली चीज, ठंडी चीजों से परहेज रखिएगा, पानी अधिकाधिक पीजिएगा, मेहनत बहुत कीजिएगा, नींद पूरी लीजिएगा, और एक चांदी का कड़ा या दाहिनी कलाई में या चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में जरूर पहन लीजिएगा, चाहे खुला हो या बंद हो, बस पहन लीजिएगा। आज हो जाए ये काम तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा अगले शुक्रवार को कर लीजिएगा। बस कुल मिला के समय अच्छा है। एक उपाय और मैं ऑल द बेस्ट कहने से पहले कहूंगा कि माँ का बहुत ज्यादा सानिध्य प्राप्त कीजिएगा। माँ और माँ समान लोगों की जो आपसे बन पड़े मदद कीजिएगा, आदर कीजिएगा, सत्कार कीजिएगा।
प्रभु आपको खुशियां दे। इसी के साथ ऑल द बेस्ट। अब समझिए, सामान्यतः अच्छा मंगल, बुध, शुक्र और शनि किसी भी व्यक्ति को अच्छा धन देते हैं, यानी धन को घर पर लाना हो तो इन ग्रहों का मजबूत होना जरूरी है। इन ग्रहों के कमजोर होने से व्यक्ति धन नहीं कमा सकता, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, धन नहीं मिलेगा। यहाँ तक बाप दादाओं का धन मिल भी जाए वो भी चला जाएगा। दूसरी ओर मंगल, बुध, शुक्र और शनि ये मजबूत हो तो घर बैठे धन कमाया जा सकता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, आजकल ऐसे बहुत सारे तरीके चल रहे हैं जिससे घर बैठकर भी आप धन कमा सकते हैं। बस थोड़ा सा हिम्मत करके अपनी लाइन को बदलने की जरूरत है। थोड़ा सा हिम्मत कीजिए और रिस्क लीजिए, और रिस्क ले सके इसके लिए आपका मुख्य ग्रह मजबूत होना या मंगल या बुध मजबूत होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिंदगी में रिस्क लेता है और उसके बाद उसकी जयकार होती है। थोड़ा सा रिस्क लीजिए, लेकिन कैसा रिस्क? मंगल जो है ये एक दुस्साहसी का रिस्क दिलवाता है, जल्दी अपनी तलवार घुमाते हुए, लेकिन बुध जो है या बृहस्पति जो है बहुत कैलकुलेटेड रिस्क दिलवाता है, यानी आप चीजों को बहुत अच्छे से रिसर्च करके रिस्क लेते हैं। तो बुध को बेहतर कर लीजिए, 4-5 उपाय बताऊंगा, बस वो कर लेंगे तो प्रभु जरूर कल्याण करेंगे। कल्याण वही करते हैं, ये याद रखना, बस आप कर्मठ हो और बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं ईमानदारी से। मजबूत बुध और शनि की तो ऐसी महिमा होती है कि आप कुछ करें या ना करें आपके पास धन आना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर ये खराब है तो आसानी से धन नहीं आएगा, चला भी जाएगा। वैसे किसी व्यक्ति का शनि यदि बहुत मजबूत हो और बुध के साथ उसकी अच्छी स्थिति हो तो ऐसे व्यक्ति अपना धन लुटाते भी पड़ते तो भी धन का आना नहीं रुकता। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि धन है ही नहीं तो कैसे अमीर हो। भाग्य का घर अच्छा करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि किसी को रोजाना 12-14 घंटे काम करने पर महीने भर में जितना पैसा मिलता है, वही एक भाग्य पक्ष का मजबूत व्यक्ति एक पार्टी में खर्च कर देता है। ये सच्चाई है इस दुनिया की और इसे स्वीकार कीजिए। इक्विटेबिलिटी कितनी भी आ जाए, इक्वालिटी कितनी भी आ जाए, ये डिस्क्रिपेंसी तो रहती है समाज के अंदर। इन चारों ग्रहों के साथ धन कमाने के लिए कुंडली का 11वां भाव और 9वें भाव को बहुत मजबूत करना पड़ता है। कुंडली का 10वां भाव बहुत मजबूत करना पड़ता है, यही ये बताता है कि धनागम का स्रोत होगा क्या और ये सब कैसे ठीक हो सकते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बस जो मैंने आपको सूत्र दिए थे उन सूत्रों को पकड़कर कार्य करना शुरू कर दीजिए, और कुछ उपाय जो अब मैं आपको बता रहा हूं वह आप समझ लीजिए। तो लिख लीजिए कुछ विशेष उपाय जिससे कुछ एक चीजें आपके अंदर उत्पन्न हो जाएंगी। पहली चीज, मेहनत का मादा उत्पन्न होगा। दूसरी चीज, सही समय पर बिना अलसाए मेहनत कर पाएंगे। तीसरी चीज, धैर्य उत्पन्न होगा। चौथी चीज, रिस्क ले पाएंगे। पांचवी चीज, निर्णय ले पाएंगे। छठी बात, आप अपने दम पर काम कर सकेंगे। अगर ये 6 चीजें किसी के अंदर आ जाएं, वो जरूर सफल होगा और अमीर बनेगा, मैं दावे से कह रहा हूं। और सातवीं चीज तो इसके साथ, जैसे कहते हैं ना, गहने में माणिक जुड़ गया, तो सातवीं चीज इसके साथ ये है कि आप बहुत सोच समझ कर निर्णय लेंगे, और बाजार को यदि आपने समझ लिया तो जय जय होनी है। लिखिए उपाय नंबर 1, शुक्रवार के दिन से प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जला दीजिए। और ऐसा नहीं है जो काम निपटा दिया, आराम से दीपक को रखिए, प्रभु को याद कीजिए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए। जिंदगी में लक्ष्य सबसे बड़ा ऊर्जा का केंद्र होता है, ये याद रखना। जिसका लक्ष्य जितना ज्यादा स्पष्ट होगा, जो अपने लक्ष्य के प्रति जितना अधिक समर्पित होगा, उसके अंदर उतनी अधिक ऊर्जा होगी। अगली बात, किसी भी हालत में पितृदोष घर से दूर भागना है। जब तक पितृदोष रहेगा परिवार में धन की हानि होगी ही होगी, कोई भी इनकम आपको कम ही पड़ेगी।
बहुत मेहनत करने के बाद भी धन नहीं रुकेगा। व्यापार और नौकरी बार बार बदलेगी, कोई ना कोई अड़चन परेशानी आएगी, लेकिन कुछ लोग एक या दो बार, चार बार, छह बार उपाय करते हैं और कहते पुत्र दोष नहीं भाग रहा, कोई और उपाय बताइए। अब कोई और उपाय करेंगे तो यहां वहां 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 वो भटकते रहते हैं। पुत्र दोष जितना ज्यादा होगा, उपाय उतने ही अधिक वर्षों तक करने पड़ेंगे, उपाय करना पड़ेगा जो अमावस्या को होता है, विशेष रूप से पित्र विसर्जनी अमावस्या और मौनी अमावस्या को होता है, करना पड़ेगा, इसका कोई और तरीका नहीं है। आप भारत में रहे या दुनिया के किसी और कोने में, वही करना पड़ेगा। एक और उपाय, भरणी नक्षत्र में कलश स्थापित करके रोजाना बाकी पूजाओं के साथ उसकी भी पूजा कर दिया करो। उसकी पूजा कोई अलग से नहीं होनी, बस कलश में अम्मी माँ को, अम्मी माँ का ध्यान करके बस तिलक कर दे, और क्या, और अपने लक्ष्य को याद रखे, क्यों ये कार्य क्यों कर रहे हैं। यह पूजा से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, इन पूजाओं से आपको पुण्य भी नहीं मिलेगा, यह भी बता रहा हूं, क्योंकि ये काम्य कर्म है। आप अमीर होने के लिए पूजा कर रहे हैं, हाँ अमीरी मिल जाएगी, लेकिन अगर प्रभु के प्रति समर्पण है तो वह अमीरी बच जाएगी, अन्यथा मिलकर चली जाएगी फिर से। एक और चीज, गुरु पुष्य नक्षत्र, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को उसकी महिमा का ज्ञान है, लेकिन गुरु पुष्य नक्षत्र बेहद ही महत्वपूर्ण दिन होता है। अभी निकला है, तीन चार दिन पहले, गुरु पुष्य नक्षत्र में गुरु के माध्यम से कलश की स्थापना करें, गुरु की इच्छा से कलश की स्थापना करें। मुझे नहीं पता आपका अनुभव क्या है, लेकिन सफल लोगों से पूछिए उनका उनके गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण, और उनके जीवन में उनके गुरु का आशीर्वाद, वो कोई भी गुरु हो, आपको खुद समझ में तब जाकर आएगा गुरु की महिमा क्या है। ग्रहों के रूप में आपका चंद्रमा और बृहस्पति तो बलि होता ही है, सूर्य भी बेहतर होना शुरू हो जाता है गुरु कृपा से, लेकिन आप लोगों से जाइए बात कीजिए, वो खुद बताएंगे कि हाँ इसके बाद मेरी जिंदगी सुधरने लगी। बहुत बड़े बड़े लोगों से बात कीजिएगा, जिनके बड़े बड़े अचीवमेंट्स हुए उनसे बात कीजिएगा, वो आपको बता देंगे। एक उपाय, गाय की सेवा करने का एक नियम जितना हो सके निभाना बहुत जरूरी है, ये एक तरीके से कल्प वृक्ष है। दूसरी बात, जब आपकी किस्मत में धन ना हो और इन उपायों से आने लगे तो अपनी सारी कमाई इष्ट को अर्पित कर दीजिएगा। इष्ट को रखना क्या है, उन्हें क्या मतलब आपकी कमाई से, गुरु को क्या मतलब आपकी कमाई से, माता पिता को क्या मतलब आपकी कमाई से, सब आप ही को मिल जाना होता है, लेकिन देने की इच्छा होनी चाहिए, बस इतना भी बहुत है, वो हृदय से हो। एक और उपाय है, लक्ष्मी जी की उपासना कमल गट्टे की माला से नियमित रूप से करें, कब, रात को 8:30 से 11 के बीच में। एक चीज और, संभव हो सके तो श्री यंत्र की स्थापना कर लीजिएगा, बृहस्पति के शिवलिंग की स्थापना घर में करके और नियमित रूप से उनका अभिषेक करना शुरू कर दीजिएगा। ये वो उपाय है जो यदि आपने किए, प्रभु को पूर्णतः समर्पित होकर किए, प्लस जो मैंने आपको सूत्र दिए हैं वो किए, हजारों लोगों को इससे जीवन में फायदा हुआ है, आपको भी निश्चित होगा, निश्चित होगा, मुझे तो जरा भी संदेह नहीं है, आपको भी संशय नहीं होना चाहिए, लाभ होगा और अमीर बनने की दिशा में अग्रसर होंगे। अब यह मत कहना कि आज किए कल क्यों नहीं होगा अमीर, समय लगेगा, दुर्भाग्य को काटना इतना सरल नहीं है। ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था और अपने पर पूर्ण विश्वास और जबरदस्त मेहनत कुशलता के साथ अनुशासित तरीके से, ये सारी चीजें जब एक साथ इकट्ठी होती हैं तब अपने दुर्भाग्य के बंधनों को आप तोड़ते हैं। बस ये उपाय करिएगा, काम बनेगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, धन की आमद होगी घर के अंदर, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी, निश्चित आप खूब संपन्न हो, इसी कामना के साथ राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।